सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये मेरे एक अकाउंट की अर्निंग है जो मेरी वेब स्टोरीज के थ्रू हुई है। ये 1 month की अर्निंग है जो मैंने अपने एक अकाउंट में वेब स्टोरीज के थ्रू पूरा मतलब जनरेट किया हुआ है। यहाँ पे आप इसकी क्लिक थ्रू रेट भी देख सकते हैं और पर डे व्यूज़ आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा आ रहे हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने अपनी वेब स्टोरीज की बताया था कि टॉप 5 नीचर्स कौन सी होती हैं जिनके थ्रू आप अपनी वेब स्टोरीज को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट या लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप परफेक्ट वेब स्टोरीज को क्रिएट कर सकते हैं। बट वेब स्टोरीज को क्रिएट करने से पहले आपके पास एक वेबसाइट होना, यानी कि ब्लॉगिंग वेबसाइट होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपनी वेब स्टोरीज को क्रिएट करेंगे तो उसका जो भी ऑडियंस रिडायरेक्शन होगा, यानी कि जो भी आपकी अपनी वेब स्टोरीज पे ऑडियंस आएगी, तो आपको उसे अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करना होगा, रीड मोर लिंक से या लर्न मोर लिंक से, तभी जा करके गूगल आपको उस पर पेमेंट करेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक डोमेन और होस्टिंग परचेज कर लेना है। और उसके बाद सबसे सिंपल तरीका है कि आप उसमें अपनी वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें। और जब आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक परफेक्ट थीम इंस्टॉल कर लेना है जो आपको अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए सूटेबल लगे। तो मैंने टॉप 5 नीच का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप सबसे पहले अपनी टॉप 5 नीचेस में से कोई भी एक नीच सेलेक्ट कर लें कि कौन सी आपको अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है। और उसके बाद अपनी होस्टिंग और डोमेन परचेज करके उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें और कोई परफेक्ट थीम लगा दें। थीम को कैसे लगाते हैं वर्डप्रेस पे, उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पे जा करके उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें, उसके बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करना है। तो प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए आपको प्लगइन सेक्शन में आना है और उसके बाद ऐड न्यू बटन पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद सर्च ऑप्शन में आपको यहाँ पे सर्च करना है गूगल वेब स्टोरीज। जैसे ही आप गूगल वेब स्टोरीज सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको एक वेब स्टोरीज की ये प्लगइन दिख जाएगी, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। और इसके अलावा आप दूसरी प्लगइन्स को इंस्टॉल मत करिएगा, बिकॉज़ ये एक गूगल वेरीफाइड प्लगइन है, तो जो भी ज़्यादा मोस्टली प्रेफर जब गूगल करेगा तो वो अपनी प्लगइन को करेगा। और भी बहुत सारी प्लगइन्स हैं बट उनसे आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, तो आपको यही प्लगइन अपनी इंस्टॉल कर लेनी है। जब आप इसे फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का बटन दिखेगा, आपको उसे क्लिक करना है और उसके बाद आपको इसे एक्टिवेट कर लेना है। तो जैसे ही आपकी वेब स्टोरीज प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगी तो वो आपको यहाँ पे स्टोरीज सेक्शन में डिस्प्ले हो जाएगी उसकी सारी सेटिंग्स। तो क्या करना है आपको, जैसे ही आप स्टोरी पे हावल लेके जाएंगे तो आपको यहाँ लास्ट ऑप्शन सेटिंग्स का दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, यानी कि गूगल एनालिटिक्स का ट्रैकिंग आईडी, ये आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। तो इस ट्रैकिंग आईडी को सबसे पहले आपको क्या करना है निकालने के लिए, साइट किट बाय गूगल प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है। तो आप ये नेम यहाँ से कॉपी कर लें और इसके बाद वापस आप प्लगइन सेक्शन में जाएंगे और ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और इसे सर्च बार में पेस्ट कर देंगे और ये आपकी प्लगइन आ जाएगी, साइट किट बाय गूगल। मैंने इसे पहले से ही एक्टिवेट कर लिया है। तब आप जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे इसको तो यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का बटन दिखेगा, सेम जैसे आपने वेब स्टोरीज के लिए किया था, इसे इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर लें। और इसके बाद आपको ये प्लगइन यहाँ पे साइट किट में दिख जाएगी, जिसमें आपको जा करके क्लिक करना है और इसको अपने गूगल अकाउंट से कनेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप इसे साइन इन करेंगे गूगल अकाउंट के साथ, तो आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी कुछ फील्ड डिटेल्स आ जाएंगी, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं या तो अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपको क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका सेटअप कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे ये मैसेज पॉप अप कर देगा
आपको सिंपल ओके गॉट इट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सारी डिटेल्स आपकी आ जाएंगी, यानी कि आपका एडसेंस अकाउंट आपकी वेबसाइट से कनेक्ट हो गया है। अब सिंपली आपको वापस स्टोरीज में जाना है, उसके बाद आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। और अब इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपना जो भी कोड था ले लिया, इसलिए दोबारा से हमें यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। और इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, मोनेटाइजेशन में जा कर के गूगल एडसेंस पे क्लिक कर देना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपके पास दो फील्ड्स और आ जाएंगी, पहली आपकी पब्लिशर आईडी है, दूसरी आपकी स्लॉट आईडी है। पब्लिशर आईडी के लिए आपको क्या करना है, जो भी अपने अपना अकाउंट साइटकिट आईडी से कनेक्ट किया था सिंपली उसको लॉगिन कर लेना है और गूगल एडसेंस पे आ जाना है। URL आप सिंपल डाल सकते हैं google.com/adsense। इस URL पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। इसमें आपको यहाँ पे अकाउंट में आना है और इसके बाद आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे अपनी पब्लिशर आईडी दिख जाएगी, सिंपली आपको इसे यहाँ से कॉपी करके फर्स्ट किट में यहाँ पे पेस्ट कर देना है पब्लिशर आईडी पे। इसके बाद आपको अपनी स्लॉट आईडी को यहाँ से फाइंड आउट करना है। स्लॉट आईडी के लिए आपको क्या करना है, वापस अपने एडसेंस अकाउंट पे जाना है और इसके बाद आपको यहाँ ऐड पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको बाई ऐड यूनिट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको डिस्प्ले ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना ऐड का आपको नेम डाल देना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वेब स्टोरीज लिख दिया है। और इसके बाद आपको यहाँ पे मेनली यहाँ पे तीन ऑप्शन हैं, स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सिंपली आप यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्क्वायर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये एक HTML कोड आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आपको ये स्लॉट आईडी, आपको सिर्फ ये नंबर्स कॉपी कर लेना है। इस नंबर को कॉपी करने के बाद आपको वापस यहाँ पे इंटर स्लॉट आईडी पे पेस्ट कर देना है और इन दोनों को सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब आपको मेन वर्क आपका स्टार्ट होता है। यहाँ से अब आपको यहाँ से वेब स्टोरीज को क्रिएट करना है। तो वेब स्टोरीज को क्रिएट करने के लिए आपको वापस स्टोरीज में ऐड न्यू बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एक नॉर्मल सा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये एक सिंपल एडिटर टाइप का इंटरफेस है जहाँ पे आप अपनी स्टोरीज को डिज़ाइन करेंगे। तो स्टोरीज को डिज़ाइन करने से पहले आपको अपना टॉपिक सर्च कर लेना है कि किस टॉपिक के ऊपर आप अपनी स्टोरीज को बनाना चाह रहे हैं। उससे रिलेटेड आपको मैक्सिमम 10 इमेजेस निकाल लेनी है और मिनिमम आपकी 5 इमेजेस होनी चाहिए, यानी कि आपकी 5 स्लाइड्स मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि जो गूगल आपके एड्स को अप्रूव करता है वो अबव 5 इमेजेस के बाद ही अप्रूव करता है। तो आप ध्यान रखिए, जब भी आप कोई भी वेब स्टोरीज बनाएं तो उसमें मिनिमम 5 स्लाइड्स या ज़्यादा मैक्सिमम आप 10 स्लाइड्स भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दो तीन चीज़ें और ध्यान रखनी है। जो भी आप अपनी यहाँ पे इमेज यूज़ करेंगे वो कॉपीराइटेड इमेज ना हो। आपको फ्री इमेजेस लेनी है। फ्री बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फ्री इमेजेस मिल जाती हैं, तो आप वहाँ से फ्री इमेजेस भी ले सकते हैं। या तो आप अगर कोई इमेज आप ले रहे हैं तो उस पर आप अपना क्रेडिट मेंशन कर दें, यानी कि आपने वो इमेज कहाँ से ली है। तो आप उसको अगर अपनी फ़ोटो पे मेंशन कर देंगे तो वो कॉपीराइट के अंदर नहीं आएगी, वो प्लैगरिज्म के अंदर आएगी। तो ये एक आपका स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट जिसे आपको फॉलो करना है। उसके बाद जो भी आप अपना कंटेंट लेंगे अपनी स्टोरीज पे डालने के लिए, तो वो भी आपका कॉपीराइटेड कंटेंट नहीं होगा, होना चाहिए। आपको एक नॉर्मल अच्छा SEO अप्रूव्ड कंटेंट लेना है जो SEO में भी आपकी हेल्प करे, प्लस आपका नॉन कॉपीराइटेड कंटेंट भी हो। तो ये सारी चीज़ें गैदर करने के बाद चलिए देखते हैं कि कैसे हम एक वेब स्टोरी को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी इमेज लगानी है। इमेज लगाने के लिए जो भी आपने नीड सेलेक्ट करी है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ इमेज के ऑप्शन में आना है और यहाँ पे बहुत सारी फ्री इमेजेस मिल जाएंगी जो Unsplash यहाँ पे पावर्ड कर रहा है। आप सिंपली अपने से रिलेटेड जो भी आपका कंटेंट है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फैशन से रिलेटेड एक वेब स्टोरी बनाने जा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं फैशन डालूंगी। तो फैशन से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोटोज आ गई हैं, तो कोई भी आप यहाँ पर से अपनी
रिलेटिवली फ़ोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे आपको वेब स्टोरीज बनाने से पहले ही अच्छे से ही कंटेंट पे रिसर्च कर लेना है, अपने पास सारी चीज़ें सारी इमेजेस सेव करके रख लेना है, सारे कंटेंट को सेव करके रख लेना है, जिसमें जब आप वेब स्टोरीज बनाने बैठें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए सबसे पहले मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर ली, इसमें मैं क्लिक करूँगी, उसके बाद इंसर्ट इमेज पे क्लिक कर देंगे। तो ये इमेज यहाँ पे आ गई है, अब इसे हम ड्रैग ड्रॉप करके बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लिया है सेंटर पे, या फिर जैसा भी जहाँ पे लगाना है। एडजस्ट करने के बाद अब क्या करना है, इसके ऊपर मुझे कॉन्टेंट ऐड करना है। कॉन्टेंट ऐड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, टेक्स्ट पे इंसर्ट टेक्स्ट पे क्लिक करना है, और इसके बाद जो भी आपका टेक्स्ट है यहाँ पे, जो भी आपकी हेडिंग है या मेन ऑप्शन है, याद रहे वो बहुत ज़्यादा कैची हो, जिसे देख करके आपकी स्टोरीज़ को लोग फिल आउट करें। तो अभी मैं एज अ डेमो इसे सेलेक्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक कंटेंट ट्रिक दिया है। तो कंटेंट का साइज़ भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको कलर चाहिए है। यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, आप को जो भी फॉन्ट चाहिए आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसके बाद आपको जहाँ पे भी इसे एडजस्ट करना है उसे आप यहाँ पे एडजस्ट कर लें। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप अपना बैकग्राउंड कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम यहाँ पे 5 to 10 इमेजेस लेनी है, तो हम इसे डुप्लीकेट कर करके भी इसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। और इसको जब ये एडजस्ट हो जाए, आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर लें, उसके बाद आप इसे यहाँ से प्रीव्यू ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि कैसी ये आपकी स्टोरी दिख रही है। तो कुछ इस तरह से ये एक स्टोरी आपकी दिखेगी, ये ऑटोमेटिकली 7 seconds की होती है। 7 seconds के बाद आप इसके बाद जो दूसरी लगाएंगे वो यहाँ पे ऑटो लोड हो जाएगी। तो इसको यहाँ पे सेव कर दें, और अब दूसरी स्टोरी बनाने के लिए आपको यहाँ पे वापस प्लस आइकन पे क्लिक करना होगा, जिससे ये न्यू पेज जनरेट हो जाएगा। अब इसके बाद आप इसमें दोबारा जो भी आपको इमेज चाहिए है, आप फिर से यहाँ पे इमेज में आ करके वीडियो भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इमेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो भी आप यहाँ पे डेटा अपना यूज़ करें वो कॉपीराइटेड डेटा ना हो। तो सेकेंड इमेज भी मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर ली है, अब इसे हम अकॉर्डिंगली सेट कर लेंगे, जैसे भी इसे सेट करना है या एडजस्ट करना है। इसके बाद उसमें भी हम टेक्स्ट इंसर्ट कर देंगे, और इसके फॉन्ट्स वगैरह कलर वगैरह को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे। जहाँ पे भी आपको यहाँ पे एडजस्ट इसको लगाना है, आप आराम से यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगा सकते हैं। तो ये हमारी दूसरी स्टोरी भी बहुत आराम से यहाँ पे हो गई है। अब इसमें क्या होता है, अब आपको अपनी स्टोरीज़ को थर्ड पार्टी वेबसाइट से या अपनी वेबसाइट से लिंक करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको फिर से यहाँ टेक्स्ट में आना होगा, और जो भी आपको अपना टाइटल लिखना है रीड मोर या लर्न मोर, आपको वो यहाँ पर लिख देना है, और इसके फॉन्ट्स वगैरह को भी आपको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना है, जो भी आप फॉन्ट्स चाह रहे हैं। और इसको जहाँ पे आपको सेट करना है ड्रैग ड्रॉप करके सेट कर दें, और इसके बाद आपको ये ऐड लिंक का बटन दिखेगा, सिंपली इस ऐड लिंक पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर देना है। आप अपनी वेबसाइट का लिंक सिंपल URL से पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा लिंक जनरेट हो गया है, अब इसे हम वापस से सेव कर देंगे। और जब आपकी सारी ऐसे ही स्टोरीज क्रिएट हो जाएं, तो सिंपली आप इसे पब्लिश कर दें। पब्लिश करने के टाइम पे आपको यहाँ पे अपना टाइटल लिखना होगा, ये भी आपको SEO को ध्यान रखते हुए अपना एक परफेक्ट टाइटल सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे अपना स्टोरी डिस्क्रिप्शन भी आप अकॉर्डिंगली कुछ भी डाल सकते हैं, मैं अभी इसी को कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर दे रही हूँ। विजिबिलिटी आपको इसकी पब्लिक रखनी है, और इमीडिएटली मैं आपको यहाँ पे पब्लिश सेलेक्ट करना है, अदर आपको यही अपना एज इट इज़ रहने देना है। अब आपको यहाँ पे पोस्टर इमेज इसकी यहाँ पे लगानी है। पोस्टर इमेज क्या होती है, जो देख करके कोई भी विजिटर आपकी
स्टोरीज़ को विज़िट करेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इमेज हो और आई कैचिंग इमेज हो। तो आपको सिंपली यहाँ आई बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे अपलोड अ फाइल पे क्लिक करना है, और आपको वो फाइल अपने पास पहले से सेव करके रख लेनी है, या तो आप उसे अपने डैशबोर्ड में पहले से इंसर्ट कर ले या फिर अपने सिस्टम में सेव कर ले। मैं अभी क्या करूँगी, मैं मीडिया लाइब्रेरी में चेक करूँगी कि फैशन से रिलेटेड कौन सी बेस्ट इमेज मैं इसके लिए यूज़ कर सकती हूँ। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये इमेज ले रही हूँ, ये फैशन से रिलेटेड नहीं है बट एज अ डेमो मैंने यहाँ पे इसे ले लिया है। सेलेक्ट एज पोस्टर इमेज करेंगे और ये इसका पर्सपेक्टिव रेशियो है, इसी रेशियो के अकॉर्डिंग ये आएगी यहाँ पे। तो आपको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है कि कौन सा एरिया आप अपनी इमेज में शो कराना चाह रहे हैं। इसके बाद आपको क्रॉप इमेज पे क्लिक कर देना है, तो ये इसे क्रॉप करके उसी साइज का लगा दिया जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे इसका परमालिंक सेट करना है। परमालिंक क्या होता है, जिस यूआरएल पे आपकी ब्लॉग पड़ा होगा, जिस पे यूआरएल पे आपकी स्टोरी पड़ी होगी, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे पेज एडवांसमेंट सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, इसकी ड्यूरेशन बाय डिफॉल्ट 7 सेकेंड्स होती है, इसको आप यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं, और या तो आप इसे मैनुअल सेट कर सकते हैं। मैनुअल सेटिंग में क्या होगा कि ये यूज़र पे डिपेंड करेगा, यूज़र बार बार टैप करके इसे स्क्रॉल करेगा, बट इसे आप इसे ऑटो ही रहने दें। और इसके बाद यहाँ पे आप बैकग्राउंड ऑडियो भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर टैक्सोनॉमीज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो इस न्यू से रिलेटेड कैटेगरीज हैं, आप यहाँ पे न्यू कैटेगरीज बना सकते हैं। आपके पास अगर ऑलरेडी कैटेगरीज बनी हुई हैं तो उसे आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड टैग्स भी लगा सकते हैं जिससे आपकी रीच इंक्रीज हो सके। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको सिंपली अगेन पब्लिश पे क्लिक कर देना है। ये स्टोरी आपकी जनरेट हो चुकी है, तो आप इसको यहाँ प्रीव्यू में जा कर के देख सकते हैं कि ये कैसी शो हो रही है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ऑटो 7 सेकेंड्स का टाइम ले रहा है, ये बार अपने आप दूसरे उस पर वीडियो पे क्लिक हो जा रहा है। तो आप यहाँ पे इस स्टोरी को शेयर भी कर सकते हैं या फिर मैन्युअली अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे एडजस्ट करके भी देख सकते हैं। तो ये थे कुछ सिंपल स्टेप्स कि कैसे आप वेब स्टोरीज को जनरेट कर सकते हैं। वेब स्टोरीज को जनरेट करने से पहले ही आपको अपने कंटेंट पे रिसर्च कर लेना है, सारी चीज़ें अपने पास सेव करके रख लेनी है, जो भी आपको टैग्स लगाने हैं, जो भी आपको उसकी मेन कोटेशंस लगानी है, और जितनी भी आपका डेटा हो वो SEO फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि ऐसे टैग्स और ऐसी लाइंस आपको यूज़ करना है जिससे आपकी जो भी ऑडियंस है वो आई कैचिंग उसको लगे और फौरन वो क्लिक करे उसे, प्लस रैंकिंग होने में भी, गूगल रैंक पे भी उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो आपको ये सारे स्टेप्स वन बाय वन करके फॉलो करने हैं और अपनी वेब स्टोरीज को परफेक्टली जनरेट करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आने वाले टाइम में मैं अभी इसके और भी कुछ पार्ट्स रिलीज करूंगी वेब स्टोरी से रिलेटेड, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें कि आपको वो वीडियोस फौरन ही मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।